पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल के बगल में, गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मैरोनी गांव में दिव्यांग युवक ओम प्रकाश मेहता को लोहे की छड़ से मारकर किया घायल। केतार प्रखंड क्षेत्र के मैरोनी गांव में दिव्यांग युवक ओम प्रकाश मेहता को लोहे की छड़ से मारकर घायल कर दिया गया। बताते चले कि मैरोनी निवासी ओम प्रकाश मेहता खेत में ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, तभी गांव के ही विक्की तिवारी और ओम प्रकाश मेहता के साथ तूतू मैं होने लगी। उसके कुछ समय बाद विक्की तिवारी का भाई विपुल तिवारी एवं उनके पिता महेंद्र तिवारी घटनास्थल पर पहुंचकर तूतू मैं के साथ हाथापाई करने लगे। शोरगुल सुन ओम प्रकाश मेहता के पिता लल्लू मेहता के भाई एवं पिता राम प्रवेश मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही विक्की तिवारी का भाई विपुल तिवारी एवं उनके पिता महेंद्र तिवारी लोहे की रॉड से वार करने लगा। ओम प्रकाश मेहता घटनास्थल पर खून से लथपथ होकर गिर गया। घटना की जानकारी पाकर गांव वाले एवं उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी हरिहरपुर ओपी को देकर तत्काल ओम प्रकाश को इलाज हेतु सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया। गढ़वा के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया। ओम प्रकाश को पिछले वर्ष भिलौर में कमर का ऑपरेशन हुआ था। इस घटना से वह जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। मैरोनी के लोग इस घटना से काफी आक्रोशित हैं। हरिहरपुर ओपी के प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही लोगों ने पुलिस को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर ओपी में लाने के बाद मुख्य आरोपी विक्की तिवारी को छोड़ दिया। वहीं लोहर गाड़ा पंचायत के मुखिया विनोद सिंह ने परिजनों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया और बताया कि बहुत जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं ओम प्रकाश मेहता के परिजनों एवं ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान अंजनी झा से न्याय की गुहार लगाई है। समाज सेवी अजय वर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रशासन को मुख्य आरोपी के साथ मिलीभगत होने की वजह से छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस कप्तान से मुख्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। जी, समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो व्यक्ति मेरे पति को पर प्रहार किया छड़ से, लाठी डंडों से, और उसके दो एक भाई और पिता, तीनों को पुलिस अरेस्ट किया और हथकड़ी लगाया, गाड़ी पर बैठा ले गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मतलब अपराधी था उसी को छोड़ दिया गया। जो मुख्य आरोपी था उसको, विक्की तिवारी, विक्की तिवारी मुख्य आरोपी है। हाँ, मुख्य आरोपी है। उसको हथकड़ी पहनाया गया, जेल ले जाया गया और फिर छोड़ दिया गया। वो घर शाम को आकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाड़ी में आग लगाने की धमकी दे रहा है। अच्छा। बोल रहा है कि हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, अभी इलाज कैसे चल रहा है आपका पति का? मेरे पति बहुत ज्यादा सीरियस है, उनका कमर का ऑपरेशन हुआ था बिलोर में, उसी पर विक्की तिवारी छड़ द्वारा, रड द्वारा और लाठी डंडों से मारकर उनका जहाँ ऑपरेशन हुआ था उस घायल कर दिया उनको। झगड़ा का शुरुआत कैसे? झगड़ा का शुरुआत, मेरा गाड़ी खेत में चल रहा था तो विक्की तिवारी इधर से जा रहा था, बोला कि ऐसी गाड़ी चले दे रहे, तो बोले कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ओकरे पर बात बढ़ गया अरे तरे पर और फिर वो मार कर घायल कर दिया उनको। अभी स्थिति क्या है? स्थिति उनका बहुत गंभीर है, चल फिर नहीं रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं और बोलने में भी, जब बोल रहे तो उनका जो नस का ऑपरेशन हुआ था कमर का, उसमें दर्द बढ़ जा रहा है। पुलिस इस मामले को देखने आई थी? पुलिस इस मामले को देखने आई थी। उन लोग तीनों को, विक्की तिवारी, विपुल तिवारी और उनके पिता महेंद्र तिवारी को अरेस्ट किए, हथकड़ी लगाए, और जो सबसे ज़्यादा अपराधी विक्की तिवारी थे उन्हीं को पुलिस छोड़ दिया। विक्की तिवारी ने मेरे पति का जहाँ ऑपरेशन हुआ था छड़ से प्रहार किया। जीतेंगे। आप समाज सेवी होने के नाते क्या कहेंगे? मैंने, मैं तो, मुझे जब पता चला कि परसों की यह घटना है और वह लड़का आज भी रिम्स में जीवन मौत के बीच में जूझ रहा है, ओम प्रकाश, मैं उनके घर गया और वहाँ जब घर में जाके देखा पूरा स्थिति, सब घर के लोग रो धो रहे थे। मैं कल उन लोगों से मिलने सुबह गया तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमको शक है कि ओपी पुलिस अपराधी के पक्ष में काम कर रही है। और मैं इन परिजनों से मिलके ज्यों हरिहरपुर ओपी पर गया तो हमने पता किया कि क्या ओपी प्रभारी शौकत खान जी हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं है, प्रभार में कोई होंगे ना, बोले कि हैं। और मेरे नज़रों के सामने विक्की तिवारी, विपुल तिवारी और महेंद्र तिवारी
तीनों लोगों को जीप में बैठाया गया था और तीनों के हाथ में हथकड़ी था। और मैं जब थाना प्रभारी से मिलने गया तो मैं उसको देखा हूँ कि तीनों हथकड़ी लगे लोगों को उतारा जाता है और कहा जाता है कि जाके ऑफिस में बैठो। उसके बाद हम मुंशी को बोले कि हम थाना प्रभारी से ओपी प्रभारी से मिलने आए हैं और आधा घंटा हम वेट किए, लेकिन ओपी प्रभारी इस बात को थोड़ा सा भी नोटिस नहीं लिए और हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझे। उसके बाद मैंने भोनाथपुर पुलिस इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि सर इस तरह का मामला है और इस मामला को आप देखिए। उनके द्वारा हमको आश्वासन मिला था कि जो भी होगा उचित किया जाएगा, लेकिन यह हरिहरपुर ओपी पुलिस का जो रवैया है कहीं ना कहीं एक पक्षीय है और वह पुलिस प्रशासन के चरित्र पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। और आरोपी को हथकड़ी लगा देना और जिस आरोपी के साथ मार की शुरुआत हो, झगड़ा की शुरुआत हो, उस आरोपी को छोड़ देना, यह कहीं ना कहीं संदेह के घेरा में ओपी प्रभारी को खड़ा करता है। और चूंकि यह पुलिस प्रशासन का मामला है, मैं चाहता तो उस समय तीनों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, लेकिन हम इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग शासन प्रशासन सबका सम्मान करते हैं और हमको लगता है कि हम जिस तरह न्याय की मांग करते हैं प्रशासन से भी न्याय का उम्मीद रखते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया कि पुलिस प्रशासन के चरित्र पर कहीं मेरे इस रिकॉर्डिंग से कहीं कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया। हम तो रिकॉर्डिंग कर लिए होते। और ईश्वर है इस धरती पर, सब लोगों को ईश्वर से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वह लड़का जो जीवन मौत के बीच में जूझ रहा है और वह लड़का शाम को आके और परिजनों को धमकी भी दिया है, यह भी मुझे जानकारी है। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमान स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।